अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे। आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ और मेरे जो व्लॉग आते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल ही आते हैं, और मैं मानती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी सिंपल और प्यारे हैं। तो जो भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं उनसे मेरी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं लगेगा लेकिन मुझको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ मैं सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरे घर में ब्रेड को बहुत कम देखा होगा, मतलब कि हम लोग ब्रेड लेकर नहीं आते हैं, ब्रेड का नाश्ता बहुत ही कम बनता है घर में। लेकिन बच्चे कल जिद पड़ गए दोनों की दोनों की, मम्मी हमारा तो मन हो रहा है ब्रेड सैंडविच खाने का, बहुत दिन हो गए ब्रेड सैंडविच खाए हुए, तो कल आप वही बना देना। तो बस इधर ब्रेड सैंडविच तैयार हो रहे हैं, और अली को जो शहद वाली ब्रेड होती है, मतलब ब्रेड के ऊपर शहद स्प्रेड कर देते हैं ना, वो वाली ब्रेड उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नाश्ते में वो वही खाएगा। और इधर लंच बॉक्स उसका कंप्लीट हो गया है, अब देखिए बिल्कुल भी बचकर आने वाला नहीं है, पूरा फिनिश कर कर आएगा। और अगर कोई दूसरी चीज़ होती ना तो थोड़ी बहुत बचा कर लाना ज़रूरी है। हम इतनी मेहनत से अपने बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करते हैं और बच्चे अगर बचा कर लाते हैं तो सच में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अजीब सा लगता है कि यार हम तो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं और अपने काम छोड़कर बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करते हैं, और बच्चों का ये हाल होता है कि वो पूरा फिनिश करके भी नहीं आते। अब इधर मैंने अली को नाश्ता दिया है, तो शहद वाली ब्रेड दी और साथ में सूजी का हलवा दिया। बस सूजी का हलवा देखते ही उसका मूड ख़राब, मम्मी सूजी का हलवा तो आप ले जाओ, मैं तो ब्रेड वाला नाश्ता जो है वही कर लूँगा। मैंने कहा क्यों, एक खुद की पसंद का नाश्ता है तो एक ये मेरी पसंद का नाश्ता भी है, सूजी का है वो तो अच्छा हेल्दी नाश्ता रहता है, पर हलवे से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, सूजी का और आटे का दोनों का नहीं खाता वो, बहुत उससे खाता है। तो मैंने कहा ठीक है ये ब्रेड वाला नाश्ता भी नहीं करना है आज, स्कूल नाश्ता बिना किए ही जाना है अगर हलवा नहीं खाना है तो। फिर बहुत देर तक बहसबाजी भी हुई, तब जाकर देखिए उसने नाश्ता किया है, नहीं तो कर ही नहीं रहा था नाश्ता, मम्मी मुझे हलवा नहीं खाना है। हम सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तभी हम माँ बाप परेशान होते हैं उनकी जिद मान मान कर कि भाई ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ दे दो बच्चों को, अभी छोटा है बड़ा होगा तो समझ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बड़े होने के बाद भी वो कई बार माँ बाप की बातें नहीं मानते, बस अपनी बात रखने लगते हैं, फिर हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हम तो इनके भले की सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा खा लें तो अच्छा रहेगा, पौष्टिक चीज़ दे रहे हैं इनको, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। फिर ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा टाइट भी होना पड़ता है बच्चों को लेकर। तो अभी मैं बना रही हूँ जी दोपहर का खाना, उस हिसाब से तो कल मैंने रात में चोले की दाल भिगोई थी, बस वही दाल मैं बनाऊँगी। तो दाल को तो मैं यहाँ पर कुकर में डाल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा खड़ा गर्म मसाला, नमक हल्दी ये सब डाल देते हैं उसी के साथ। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि लाइट वही जल्दी आ गई, तो मैं अपने दूसरे काम निपटाने लगी थी, फ्री नहीं बैठी थी क्योंकि सुबह का टाइम जो रहता है बिल्कुल भागम भाग का टाइम रहता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं अली के स्कूल जाने के बाद से। तो फिर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया, तो अब बना लेते हैं हमारे चोले की दाल, चोला मतलब की। तो जी प्रॉब्लम ये आ रही है आजकल कि हरी सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ कम खाई जा रही हैं, मैं मना कर देती हूँ हरी सब्जियों की बिल्कुल ही, बहुत कम खाने में आती है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो सब्जियों में कीड़े मकोड़े मतलब चल ही रहे हैं, निकलते ही हैं, भिंडी लाओ भिंडी में भी इल्टे वगैरह निकलती रहती हैं। अब जब भी ये बारह से आते हैं तो क्या कहते हैं मूली चल रही है लाओ मूली ले आऊँ, पालक ले आऊँ, हरी पत्तेदार सब्जी, इनका तो बहुत मन होता है, मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, कौन उन्हें साफ़ करने बैठेगा और फिर उसमें कीड़ा वीड़ा कोई लपेट के आ गया, मतलब तो भाई आप तो मत लाओ। इसलिए आजकल घर में कभी दाल बन जाती है, कभी छोले बना देती हूँ, कभी छोले की ये दाल बना रही हूँ मैं, छोला बना रही हूँ मतलब, तो बस ऐसे चलता रहता है।
बारिश के बाद फिर सर्दी का सीजन आ जाता है, तो उस सीजन में तो वैसे भी हम हरी पत्तेदार सब्जियां कुछ ज्यादा ही खाते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बार बार, तो आप लोगों को सभी को बताया कि अभी मैं बारा गई थी और वहाँ मैंने शॉपिंग की थी बारा में, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया कि सायना जी आपने क्या क्या शॉपिंग की हम लोगों के साथ शेयर नहीं की। अब देखिए मेरी तो आदत बन चुकी है ना, क्या करूँ, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, भले ही मेरी शॉपिंग छोटी सी शॉपिंग क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को दिखाए बिना मैं रहती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों ने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आगे रह के दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेने गई थी इतनी भीगते भीगते बारिश में, ऐसा कौन सा अर्जेंट सामान था जो मुझे लाना था। तो अभी आज के व्लॉग में ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इधर ये देखिए हमारा जो चोला है वो बनकर तैयार हो चुका है। उधर तो चोला बहुत बनता है, ये चोले की जो दाल है ना राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, पूरी सब्जी के साथ, पूरी सब्जी आलू की सब्जी रहती है और चोले की दाल अलग रहती है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है, खाकर मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए खाना तैयार हो चुका है, बस मैं अब अपना खाना लगा लेती हूँ। आजकल मैं नहाने के लिए गुनगुने पानी का ही यूज़ कर रही हूँ, बारिश के टाइम पर गुनगुना पानी ही अच्छा रहता है, और नहाने के बाद पूरी बॉडी पर मैं मालिश भी करती हूँ, क्योंकि मेरे खुजली की प्रॉब्लम होने लगी थी बारिश के मौसम में, अक्सर ये प्रॉब्लम हो रहती है खुजली वाली। तो सरसों का ऑयल जब से मैंने यूज़ किया है बॉडी पर तब से ठीक रहता है, थोड़ी सी मालिश कर लेती हूँ, मसाज टाइप हो जाता है और बढ़िया रहता है, मतलब खुजली वगैरह की अब प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, अब उतनी खुजली वगैरह नहीं होती है। तो खाना मैंने खा लिया है, बैग अपना पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और अम्ब्रेला ले जाना मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर बारिश आने लगे तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, हल्की सी धूप आ रही है फिर जा रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। और थोड़ी देर पहले ही मैं पहुँचूँगी बस स्टैंड, जल्दी जाती हूँ, मतलब बस में मुझे सीट रोकनी होती है, क्योंकि इधर से भी फिर खड़े खड़े जाओ और उधर से भी फिर खड़े हो कराओ, उधर से तो मुझे बिल्कुल सीट नहीं मिलती है, आगे से ही बस भरी हुई आती है। तो इस चक्कर में थोड़ा मैं जल्दी जाती हूँ कि एक तरफ से तो मैं सीट पर बैठ कर जाऊँ कम से कम। स्कूल की ड्यूटी ख़त्म, अब घर की ड्यूटी शुरू। घर पर आने के बाद रिदा ने बता दिया काम कि मम्मी मेरे बालों में ऑयल डाल दो और मेरी कसकर गूंथ कर चोटी कर दो। वो चोटी ढंग से गूंथ कर नहीं कर पाती है, थोड़ी सी लूज छोड़ देती है, इसलिए तो मैंने पहले तो ऑयल डाला उसके बालों में और उसके बाद फिर उसकी चोटी बनाई। इधर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई चाय पिलाओ, तो मैंने उनसे कहा हाँ आज तो मैं आपको कुछ ज़्यादा ही स्पेशल वाली चाय पिलाने वाली हूँ। तो वो कहने लगे कौन सी स्पेशल चाय, मैंने कि देखना बहुत पसंद आएगी आपको और आज मैं आपके साथ चाय पीऊँगी। तो क्या कहते हैं अरे वाह आज सूरज किधर से निकला है, मैंने कि जिधर से निकलता है उधर से ही निकला है, कि नहीं, मुझे तो आज कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम चाय पीने के लिए तैयार कैसे हो गई, तुम कभी चाय ही नहीं पीती हो, बस हाँ तुम्हारा गला वगैरह जरूर खराब हो जाता है तब मुझे ज़बरदस्ती कहना पड़ता है तब जाकर पीती हो चाय। तो मैंने इनसे यही कहा बस अभी थोड़ी सी देर में बढ़िया सी मज़ेदार चाय आपके सामने आने वाली है, बस थोड़ा सा मैं ये काम निपटा लूँ। तो पहले तो मैंने असर की नमाज भी पढ़ी और उसके बाद रिदा के साथ ये मूंगफली छीलने के लिए बैठ गई थी, थोड़ी बहुत ही मूंगफली मैंने छिलवा पाई थी, उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो ये जो स्पेशल वाली चाय है इसमें मैंने डाला है खड़ा धनिया जीरा और सौंफ की चाय है ये, इसको अच्छे से हमें उबालना है, इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये पानी वाली चाय है और साथ में बन जाएगी तब उसके बाद इसमें हम शहद डाल देंगे मीठे के लिए। बस हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है, तो यही चाय मैं इनको भी पिलाने वाली हूँ, बहुत अच्छी बनती है ये वाली चाय। फिर ये मैंने एक दिन और बीच में बना के पी थी, पर उस टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, अली को पिलाई थी, अली को बहुत अच्छी लगी, कहने लगा कि मम्मी पापा तो मुश्किल ही पिए, पापा नहीं पियेंगे देख लेना, फिर आपकी और पापा की लड़ाई होगी सिर्फ चाय को लेकर। मैंने कहा नहीं पी लेंगे, जब मैं उनकी पसंद की चाय कभी पी लेती हूँ मेरा गला वगैरह ख़राब होता है तब, तो उन्हें भी मेरी पसंद की चाय पीनी चाहिए। तो बस ये गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार है, बस अब मैं उनके पास ले जाती हूँ, वो पियेंगे इस चाय को, शहद भी डाल दिए मैंने उसमें ऊपर से। मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि आखिर मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये देखिए चप्पल, ये वाली सैंडल टाइप है ये,
तो ये मैं बारिश के हिसाब से स्कूल के लिए लेकर आई हूँ। बारिश के मौसम में देखिए कितना कीचड़ रहता है, तो ये चप्पल मुझे काफ़ी कंफर्ट लग रही थी। बढ़िया सैंडल टाइप है ये, अच्छी लगी मुझे। और इसमें की छोटे साइज की चप्पल भी थी बच्चों की, तो वो चप्पल 600 रुपये की, मतलब इतनी कॉस्टली थी वो वाली। वैसे भी बड़ों से ज़्यादा बच्चों की चीज़ें महंगी आती हैं, बड़ों की नहीं आती इतनी महंगी। वो तो बहुत छोटी सी चप्पल थी और वो भैया ने बताई थी वो 600 की। ये तो खैर 350 की चप्पल है जो मैं लेकर आई हूँ। और ये देखिए एक फैंसी चप्पल भी मैं लेकर आई हूँ, पार्टी वियर। काफ़ी टाइम से मैंने कोई फैंसी चप्पल भी नहीं ली थी, तो मेरा मन हुआ चलो ले लेते हैं। अभी वैसे मेरी जो फैंसी चप्पल है एक दो जोड़ी और रखी हुई है, एक तो मेरी 12 में रखी हुई है, एक शुपरी में है, और ये एक और ले ली, मतलब 3 जोड़ी हो गई अब मेरे पास फैंसी चप्पल। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि भाई मेरी ये शॉपिंग चप्पल वाली आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शॉपिंग तो हम लोगों को बहुत सारी करनी थी, मतलब कि रिदा को भी जाना था, पर बारिश देखकर रिदा पीछे हट गई कि मम्मी ठीक है आप ही जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ऐसी बारिश में मुझसे शॉपिंग होगी भी नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है अगले टर्न पर अपन जब भी बाहर आएंगे तो कर लेना शॉपिंग, ले लेना अपनी मनपसंद की जो भी चीज़ें लेनी है। हाँ कि मम्मी मैंने लिस्ट बना रखी है, वो सब सामान मुझे बाहर से ही ख़रीदना है। शिवपुरी के मार्केट में तो ना आप मुझे ले जाती हो ना मैं जा पाती हूँ, क्योंकि मार्केट में सही चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक दो बार गए हैं ना हम लोग तो समझ में नहीं आया। आज का ये मेरा प्यारा सा व्लॉग, सिंपल सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिन जिन लोगों ने दुआएं करवाई हैं आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी हर नमाज में दुआ करूंगी कि आपकी जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करे, अल्लाह ताला सबको अपने जुमान में रखे, सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। अभी जाना नहीं है, पहले हम लोगों के साथ आइसक्रीम खा लीजिएगा फिर जाइएगा। तो बस इसी के साथ आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।